Welcome students, today we'll be discuss about single riveted double cover plate butt joint. Single riveted double cover plate butt joint, ये आज हम discuss करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि single riveted single cover plate butt joint. तो अब start करते हैं single riveted double cover plate butt joint. तो इस तरह से मैंने मान लिया कि बट जॉइंट हमारा किस तरह से होता है, दो प्लेटों को हमें जॉइंट करना होता है, तो उसमें क्या करेंगे, कवर लगा के हम जॉइंट करते हैं. तो इसको हमें जॉइंट करना है. तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इनको जॉइंट करना है. तो एक कवर प्लेट नीचे से लगा दिया और एक कवर प्लेट मैंने ऊपर से लगा दिया. अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारी प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स, प्लेट वन प्लेट टू, अब इन दोनों को ज्वाइंट करना है. तो ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से मैंने क्या किया कि कवर प्लेट्स लगा लिए दोनों तरफ से, अपर भी लोअर भी. तो अब यहाँ पे हमें रिविट लगाना, एक रिविट यहाँ एक रिविट यहाँ, क्योंकि सिंगल रिविटेड की बात की है. तो एक रिविट इधर एक रिविट इधर. तो अब इसके लिए क्या होगा, तो सिंगल कवर प्लेट के लिए हमारी कवर प्लेट की थिकनेस कितनी थी, टीसी इक्वल टू 1.25 टी. लेकिन डबल कवर प्लेट के लिए थिकनेस क्या हो जाएगी, टीसी इक्वल टू 0.8 टी. तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन. हमने टी इक्वल टू क्या मान लिया, 9 mm. टी इक्वल टू 9 mm. तो रिविट डाया हमारा क्या होता है, डी इक्वल टू 6√2 6√t. तो क्या है कि 9 हमारा जो है mm पे, सेंटीमीटर में होता, तो d इक्वल टू क्या हो जाता, 1.91 × √t. तो d इक्वल टू 6√9. तो कितना आ गया डाया, रिविट का डाया हमारा 18 mm. फिर इसका मार्जिन क्या होता है, m इक्वल टू 1.5 d. तो इसमें डाया का मल्टीप्लाई करोगे, डाया हमारा कितना है 18 mm, 27 mm आ गया. फिर हेड हाइट हमारी कितनी है, h इक्वल टू 0.7 d. तो कितना आएगा, 12.6 mm. फिर इसके बाद हमारी हेड लेंथ कितनी होती है, हेड लेंथ यल इक्वल टू 1.6 d. तो यहाँ पे d का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना का, 18 का मल्टीप्लाई करोगे, 28.8 mm. फिर पिच हमारी क्या होती है, p इक्वल टू 3 d. p इक्वल टू 3 × 18, जो हमारा डायामीटर दिया है 54 mm. कवर प्लेट थिकनेस हमारी tc इक्वल टू 0.8 t. जब डबल कवर प्लेट की बात करेगा तब क्या होगा, tc इक्वल टू 0.8 t. तो 9 का मल्टीप्लाई करो करेंगे क्योंकि t इक्वल टू हमें 9 दिया है. तो कितना आएगा, 7.2 mm. अब देखते हैं कि फिगर कैसे बनता है इसका. ये हमारे पास सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट है. तो अब इसमें क्या है कि ये हमारी मेन प्लेट है, ये हमारी मेन प्लेट वन, ये हमारी मेन प्लेट टू है. तो अब ये हमारी दोनों मेन प्लेट हो गई. और मेन प्लेट कहाँ तक है, यहाँ तक, एक प्लेट यहाँ तक है, दूसरी प्लेट यहाँ तक है. तो अब इसके ऊपर हमने क्या लगा रखी, दो कवर प्लेट्स लगा दी है. तो इसकी जब दो कवर प्लेट्स लगा दी हैं तो अब इसमें थिकनेस क्या होगी इनकी, ये भी देख लेते हैं. इस तरह से थिकनेस क्या होगी इनकी, इस तरह से 0.8 t, यहां से यहां तक 0.8 t. क्योंकि ये हमारी 0.8 t, ये हमारी कवर प्लेट्स है. तो जब ये कवर प्लेट्स है, एंगल हमारा 80 डिग्री का है. फिर इसके बाद ये m इक्वल टू 1.5 d मार्जिन है, कहाँ से, इस पॉइंट से रिविट के सेंटर तक. फिर रिविट के सेंटर से जहाँ तक हमारी प्लेट रखी हुई है, तो यहाँ तक का मार्जिन कितना आएगा हमारा, यहाँ तक का मार्जिन कितना आएगा, 1.5 d. तो या तो फिर यहाँ से इस सेंटर से रिविट के इस सेंटर से रिविट के इस सेंटर तक के बीच की दूरी हमारी कितनी दी गई है, p इक्वल टू 3 d. अब इसके बाद बात करते हैं कि इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है. तो ये हमारा मार्जिन के बराबर आता है, 1.5 d. फिर इसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट, ये तो फ्रंट व्यू बन गया, सेक्शनिंग कर दी. सेक्शनिंग ऊपर वाले की यदि
आप एक तरफ से कर रहे हो तो नीचे वाले को उसके जस्ट अपोजिट आपको करनी होगी, लेकिन ये होगी सेक्शनिंग कैसे, 45 डिग्री पे एक से दो या तीन एमएम के बीच के गैप दे के होगी। फिर इसके बाद ये हमारा फ्रंट व्यू था, अब ये हमने प्रोजेक्शन लेके टॉप व्यू बना दिया है। तो ये हमारी अपर प्लेट के लिए है, ये बीच वाली प्लेट के लिए है, और ये हमारी लोअर वाली प्लेट के लिए है, जो लोअर कवर प्लेट है, ये अपर कवर प्लेट है हमारी। तो इस तरह से हमने बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी m इक्वल टू 1.5D है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक रिविट के सेंटर से दूसरे रिविट के सेंटर के बीच की दूरी p इक्वल टू 3D, तो सेम है। फिर इसके बाद जब हमें पैकिंग करनी होती है तो m इक्वल टू 1.5D मार्जिन लेके पैकिंग कर देते हैं। इसके बाद आप एक रिविट और बना सकते हो, जितने आपकी इच्छा हो उतने बना सकते हो। मैंने क्या किया, दो रिविट्स को केवल शो कराया है, बाकी आपको दो तीन चार पाँच जितने भी बनाने हो आप बना सकते हो। तो ये तो था हमारा सिंगल रिविटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। अब देखते हैं ड्राइंग शीट पे कैसे बनता है, ड्राइंग शीट पे बनाते हैं चलते। तो हमें सबसे पहले इस पे डायमेंशन को लिख लेते हैं। तो हमारी डायमेंशन क्या दी गई है हमें, तो हमें डायमेंशन दी गई है टी इक्वल टू 9 mm, टी इक्वल टू 9 mm। तो डी हमारा कितना आएगा, 18 mm। फिर इसके बाद मार्जिन हमारा कितना आएगा, 27 mm। हाइट हमारी कितनी आएगी, हेड हाइट 12.6 mm। हेड लेंथ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ हेड 28.8 mm। फिर इसके बाद पिच हमारी पी इक्वल टू कितना आएगा, 54 mm। कवर प्लेट थिकनेस टीसी इक्वल टू कितना आएगा, 7.2 mm। चलिए अब इस पैरामीटर्स हमारे पास आ चुके हैं, चलिए अब बनाना सीखते हैं। तो अब बनाना सीखते हैं तो देखते हैं कहाँ से क्या होगा। तो इस तरह से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच ली। अब इसी लाइन को, ये लाइन मैंने खींची और इसी लाइन को दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, बिटवीन टू पार्ट्स डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद प्लेट की थिकनेस हमें कितना दिया गया है, 9 mm। तो ये मैंने प्लेट की थिकनेस ले ली इस तरह से, इस तरह से मैंने प्लेट की थिकनेस ले ली। अब इसी से को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए और यहाँ से भी एक लाइन हमने इस तरह से ड्रा कर दिया। अब इसके बाद इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए हम कहाँ तक आए, एंड पॉइंट पर आए, और इस तरह से हमने एक लाइन को ड्रा कर दिया, इधर भी आ गए और इस तरह से हमने इस लाइन को ड्रा कर दिया। तो ये हमारी मेन प्लेट बन गई, प्लेट वन एंड प्लेट टू। अब बात करते हैं कि अपर प्लेट बनाना है और लोअर प्लेट भी बनाना है, क्योंकि हमें डबल कवर प्लेट बनाना है। तो जब डबल कवर प्लेट बनाना है तो इसी से मार्जिन हम कितना लेंगे, आपको मैंने बताया है कि इस जहाँ से दो प्लेट्स ज्वाइंट हो रही हैं तो यहाँ से 1.5D ड्रॉप करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा। अब जहाँ पे रिविट लग जाएगा तो रिविट के सेंटर से 1.5D का आपको मार्जिन देना होता है। तो आपने क्या किया कि इस तरह से ये आपका 27 mm का मार्जिन आ रहा था, तो यहाँ पर मुझे कहीं पर 27 mm मिला, फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर मिला, तो ये हमारा रिविट का सेंटर आ गया। सेंटर के बाद ये हमारी प्लेट है, एक प्लेट का भाग इधर है, एक प्लेट का भाग इधर है, तो दोनों प्लेट्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये काम, वही काम हमने इधर से भी किया, 27 mm मुझे यहाँ मिला, फिर इसके बाद जब यहाँ से मार्जिन देंगे तो 27 का डबल कितना होता है, 54, तो 54 पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद सेम काम यहाँ से भी मैंने किया,
नीचे इस तरह से ट्वेंटी सेवन यहाँ 27 मिला, 27 का जस्ट डबल 54 यहाँ तक मुझे मिल सारा कुछ मिल चुका डेटा। तो अब इसके बाद हमें कवर प्लेट की थिकनेस कितनी दी गई है 7.2 mm, तो 7.2 mm मैंने मेजर किया। इस तरह से मैंने 7.2 मेजर कर लिया और यहाँ से भी मैंने क्या किया कि इसी तरह से 7.2 नीचे की प्लेट के भी थिकनेस वही होगी, तो इसको भी मैंने 7.2 मेजर कर लिया। अब इसके बाद इसी को रेफरेंस लेते हुए, इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए और इस तरह से यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दी। इसी को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए और इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद ये हमारी कवर प्लेट की थिकनेस आ गई, तो अब इसी पॉइंट्स को हमने क्या किया, रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए और इस पॉइंट पर आके इस तरह से एक लाइन्स को ड्रा कर दिया और इस लाइन, ये थोड़ी लाइन छोटी रह गई, इसको मैच करा लिया इस तरह से। तो अब ये हमारी दो कवर प्लेट्स बन चुकी हैं, अब ये हमारी दो कवर प्लेट्स बन चुकी हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो सेंटर बना लेते हैं पहले। इस तरह से इस पॉइंट से हमने क्या किया, सेंटर ले लिया रिविट का, लंबी लाइन छोटी लाइन डॉट, लंबी 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 लाइन डॉट। तो इसी को प्रोजेक्शन लेते हुए यहाँ पर भी आए हम, लंबी लाइन डॉट, लंबी लाइन डॉट, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। इस तरह से ये हमारी रेफरेंस लाइन आ चुकी है, रिविट की सेंटर आ चुका है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें यहाँ से 80 डिग्री का एंगल पे लाइन खींचनी है यूडीएल के लिए 80 डिग्री के। तो यहाँ पर मुझे 80 डिग्री मिला, तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया कि इस तरह से 80 डिग्री पे हमें लाइन खींचनी है। तो 80 डिग्री मुझे कुछ फिर से एक बार मेजर कर लेते हैं, 80 डिग्री इस तरह से, इस सेंटर से इस तरह से लाइन हमारी 80 डिग्री पे आ गई। अब इसके बाद सेम काम हमें यहाँ से भी करना होता है, तो यहाँ से भी करना होता है, तो 80 डिग्री यहाँ पे मुझे मिला। अब यहाँ पर मिला तो मैंने क्या किया कि इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से लाइंस को मैच करा दिया। अब इसके बाद इन दोनों लाइंस को, जो शेष बची लाइंस, इनको रफ कर देंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से रफ कर दिया। अब इसके बाद नीचे भी हमें क्या करना है कि 80 डिग्री पे काम करना है इस तरह से।
ये लाइन आ गई हमारी। अब यहाँ से भी हमें 80 डिग्री पे काम करना है इस तरह से। इस तरह तो ये हमारा 80 डिग्री पे यूडीएल लोड के लिए कंप्लीट हो गई। और इंजरी से भी हमें बच गई क्योंकि यहाँ पे कोई कार्नर नहीं आ रहा है, एक टेपर प्लेट हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि रिविट का डायामीटर हमें कितना दिया गया है, रिविट का डायामीटर हमें 18 mm दिया गया है। इन लाइंस को हमने क्या किया, डार्क कर लिया। अब डार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इनका डायामीटर मेंशन कराना है जीविट का। अब जीविट का डायामीटर हमें कितना दिया गया है, 18 mm। तो 9 mm हमने क्या किया, 9 mm राइट पे चले, 9 mm लेफ्ट पे। तो सेम काम यहाँ से भी किया, 9 mm राइट पे, 9 mm लेफ्ट पे, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि रिविट के हेड्स दोनों तरफ होते हैं, 9 mm 9 mm। यहाँ से भी 9 mm 9 mm। तो अब इसके बाद हमने क्या किया कि इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर आए और इस तरह से मिला दिया। ये हमारा रिविट का डाया बन चुका है। इस तरह से जीविट का डाया हमारा बन जाएगा। तो जब जीविट का डाया बन चुका है तो अब हमें क्या करना है, जीविट का हेड बनाना है। तो अब चलिए हेड बनाते हैं। तो हेड की लेंथ हमें कितनी दी गई है, हेड की लेंथ हमें दी गई है 28.8 mm। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 14.4 mm। तो ये मैंने मेजर किया यहाँ से 14.4 mm राइट में और 14.4 mm लेफ्ट पे, नीचे भी ऊपर भी इस तरह से। इधर भी दूसरे रिविट में भी इसी तरह से 14.4 mm राइट में, 14.4 mm लेफ्ट पे। अब इसकी हमें हेड की हाइट कितनी दी गई है, हेड की हाइट हमें 12.6 mm दी गई है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रिविट के 12.6 mm मेजर कर लेंगे इस तरह से, 12.6 mm। यहाँ से भी 12.6 mm। इस तरह से 12.6 mm मेजर कर लिया। तो अब हमें पॉइंट्स मिल गए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, इस तरफ, इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है
कि अब इसका हेड बनाना। तो हेड बनाने के लिए ये जो हमारा सेंटर है रिविट का, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो लंबाई की दूरी का पॉइंट आया है तो इस तरह से मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद क्या किया कि यल बाई टू को हमने मेजरमेंट कर लिया। इसके बाद यहाँ से इस तरह से आर्क लगा दिया, ऊपर से भी नीचे से भी, क्योंकि लंबाई हमारी सेम है, क्योंकि लंबाई हमारी सेम है तो हमने इस तरह से आर्क लगा दिया। इस तरह से आर्क लगा दिया हमने, तो हमें कहाँ कहाँ पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आर्क हमने लगाया रेफरेंस लाइन पर, यहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक हेड बना देंगे रिविट का, जो हमारा हाइट या एच वाले पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। इस तरह से हमारा रिविट का हेड बनेगा। तो ये हमें दोनों तरफ बनाना है इस तरह से, इस तरह से हमें रिविट के हेड्स बना लेने हैं। इस तरह से रिविट के हेड्स हमारे बन गए। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, सेक्शनिंग करनी है। तो सेक्शनिंग के लिए 45 डिग्री पे मैंने क्या किया कि इस स्केल को मैंने क्या किया, चांदे से 45 डिग्री पे इस तरह से पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट लगाने के बाद इस तरह से मैंने प्रोजेक्शन लेना इसी के पैरेलल शुरू कर दिया सेक्शनिंग करना इस तरह से। इसी के पैरेलल हमें 2 से 3 mm के गैप पे ये सेक्शनिंग करनी होती है। सेक्शनिंग का मतलब ये होता है कि ये किसी प्लेट का कटा हुआ भाग है। तो ये सेक्शनिंग दो, यदि डबल कवर प्लेट है या सिंगल कवर प्लेट है, तो ये जो हमारी मेन लाइन पे होगी सेक्शनिंग, तो ये सब अपोजिट होंगी एक दूसरे के। तो अब इस पे बात आई, तो अब इस पे कैसे होगी सेक्शनिंग, तो इसमें इसके अपोजिट होगी इस तरह से। ये हमारी मेन प्लेट है जो हमने दो प्लेटों को ज्वाइंट किया है थ्रू बट ज्वाइंट, और दो कवर प्लेट्स लगा दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो पतंग में जो बीच वाली स्ट्रिप होती है, जब वो ब्रेक हो जाती है तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसको ज्वाइंट करते हैं। तो वो ज्वाइंट कैसे होता है कि डबल स्ट्रिप लगा के या फिर सिंगल स्ट्रिप लगा के हम ज्वाइंट करते हैं। तो लेकिन जहाँ पर ब्रेक होती है तो उससे कुछ दूर पर ही हम धागे को बांधते हैं। तो यही काम बट ज्वाइंट का भी होता है। इस तरह से हमने ऊपर वाले पार्ट्स की सेक्शनिंग कर दी। अब यही काम नीचे करेंगे क्योंकि ये इसके अपोजिट आएगा।
इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। अब सेक्शनिंग करने के बाद हमें नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए इस तरह से मैंने क्या किया कि एक पूरी लाइंस को ड्रा कर लिया। तो अब मार्जिन कहाँ से कहाँ तक क्या है वो देखते हैं। आपको यहाँ पे जो भी एरो बनाना है वो बिल माइनस बनाना है। ये हमारा क्या है मार्जिन 1.5D P=3D। पी बोलिए या इसको यम भी बोल सकते हो आप, ये 3D होती है। तो यदि इसको यदि आपको यम से दिखाना है तो यहाँ से आप एक लाइन लाओगे जहाँ पे हमारी लाइंस दो प्लेटें जॉइंट हो रही, इस तरह से आप एक लाइन लाओगे तब आपको यम इक्वल टू 1.5 आप शो कराओगे। तो आपको जो भी इंडिकेशन कराना है तो ये डाइमेंशनिंग शो करनी है तो एरो के थ्रू ही आप शो करोगे, बिना एरो बनाए क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यम इक्वल टू 1.5D। अब इसके बाद हमें इसकी हाइट कितनी दी गई है, ये हमारी एच है। फिर अब इसके बाद रिविट की लेंथ भी दी गई है हमें, तो उसको भी मेंशन करते हैं। कितनी मेंशन है, L इक्वल टू 1.6D। अब यहाँ पे हम शो करते हैं ये हमारी है TC, ये हमारी है T और ये है हमारी TC। अब इसके बाद हमें क्या करना है इस पे, अब हमें इस पे बनाना है मेन डाइमेंशनिंग, तो हमने कर दी। अब डाइमेंशनिंग के बाद ये हमारी है अपर कवर प्लेट, अपर कवर प्लेट, ये हमारी है लोअर कवर प्लेट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब इसके बाद प्रोजेक्शन लेके इसका टॉप व्यू बनाते हैं। ये सारा काम हम फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कर रहे हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि प्रोजेक्शन लाइंस के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्स की लाइन ड्रा कर दिया। अब यहाँ से हमें प्रोजेक्शंस लेने हैं, तो प्रोजेक्शंस इस तरह से लेंगे हम। यहाँ से भी प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर लेंगे और इस लाइन से भी प्रोजेक्शन आएगा सेंटर लाइन से, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेट हमारी जॉइंट हो रही हैं इस तरह से। फिर इसके बाद ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आएगा सेम प्रोजेक्शंस। इस तरह से इन प्रोजेक्शंस लाइंस को हमें लार्ज कर लेना है
अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक लाइन यहाँ से 23 mm पर, 23 mm पर ड्रा करना है, तो वो कितने के बीच में आएगी, इतने के बीच पे हमारी लाइंस आएगी। फिर इसके बाद इसी सेंटर से हमें क्या करना है कि 9 mm ऊपर जाना है, क्योंकि ये हमारी जो प्लेट्स है ऊपर अपर प्लेट कितनी है 7.2, ये हमारी कितनी है 9, और ये कितनी है 7.2, तो 23.4 mm हमारा हो गया ऐड करने पे। तो हमने कितना ले लिया, 23 mm ले लिया। तो जब 23 mm हमने मेजर कर लिया है तो 23 mm के बाद 7 mm का गैप देंगे, 7 mm ऊपर आएंगे। तो 7 mm के बाद ये कौन सी प्लेट्स कनेक्ट है, इधर लोअर प्लेट कनेक्ट है, तो कहाँ से कहाँ तक है, इस तरह से हमारी लोअर प्लेट कनेक्ट है। फिर 9 mm पर हमारी अपर प्लेट कनेक्ट है, इस तरह से 9 mm पर अपर प्लेट कनेक्ट है। फिर बाकी हमारी अपर प्लेट के जो डायरेक्शन है वो भी कनेक्ट है, तो वो कितने में कनेक्ट है, वो 7 mm डिस्टेंस पे कनेक्ट है। तो ये हमारी इस तरह से आ गई अपर प्लेट, ये है हमारी, यहाँ से ये अपर प्लेट है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 0.8 t, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी टी सी 0.8 t। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं, मेजरमेंट हमारा हो चुका है। अब जब आप यहाँ से टैप से देखोगे तो टैप से आपको एक रिविट, दो रिविट दोनों दिखाई देंगे। तो अब जब दोनों रिविट से दिखाई देंगे तो हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे कितने भी रिविट्स इसमें बना सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि 27 mm का मार्जिन यहाँ से लिया, 27 mm के बाद हमारी पी क्या होती है 3D, तो कितना आएगा 54 mm पे हमने ले लिया, 54 mm पे। सेम काम इधर से भी किया कि 27 mm पे मार्जिन लिया, फिर इसके बाद यहाँ से भी 54 mm, फिर पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमें दो सर्कल ही बनाने हैं। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से मेजर L/2 का किया, क्योंकि टैप से देखने पे ये हेड हमें दिखाई देगा, लेकिन ये हेड का डाया जो है हमारा ये नहीं दिखाई देगा, तो ये हमारा क्या है डी, ये हमारा क्या है डी, तो ये हमें नहीं दिखाई देगा, तो ये हमारा हिडन रहेगा, ये दिखाई देगा। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है 28.8 mm। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे, फिर इसके बाद नीचे भी इस तरह से एक सर्कल P=3D पर बनाएंगे, P=3D पर एक सर्कल और बना देंगे इस तरह से। फिर दूसरी तरफ भी, क्योंकि लेंथ हमारी सेम है, तो हिविड, तो ये जो रिविट का हेड है तो इसकी लेंथ सेम होगी। इस तरह से हमने क्या किया, सर्कल्स बना दिए, हमने सिर्फ दो सर्कल्स बनाए, क्योंकि इसके ये चैन टाइप्स में आ रहे हैं, तो कितने भी आप बना सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हमें रिविट का डाया शो कराना है जो हिडन रहेगा, तो मैंने रिविट के डाया हमें कितना दिया गया 18 mm, तो रेडियस कितनी आएगी 9 mm, लेकिन ये हिडन रहेगा। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से मैंने बना दिया सर्कल,
यहाँ से भी एक सर्कल मैंने बना दिया, यहाँ से भी मैंने एक सर्कल इस तरह से बना दिया और इस पॉइंट से भी सर्कल इस तरह से बना दिया। बाकी अब क्या किया, इसको कुछ पार्ट्स को हटा दिया क्योंकि ये हमारा हिडन रहेगा, इस तरह से मैंने हटा दिया। ये सर्कल हमारा रिवेट का जो सर्कल आएगा तो वो हमारा हिडन आएगा क्योंकि ये रिवेट का डाया हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये इस तरह से हिडन आ जाएगा। तो अब इसमें हिडन आ जाएगा तो अब हमें क्या करना है, इस पर पैरामीटर्स डाइमेंशनिंग शो करनी है। तो जब डाइमेंशनिंग शो करनी है तो यहाँ से फिर इसी पॉइंट से हमने क्या कर लिया, एक मार्जिन ले लिया। तो मार्जिन कितना लेते हैं, 27 mm लेंगे इस तरह से, इस तरह से 27 mm ले लिया और यहाँ से इस तरह से पैक कर दिया। पैक करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, इसी रेफरेंस लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से एक लाइंस को ड्रा कर दिया। ये हमारी मार्जिन है m इक्वल टू 1.5D। ये हमारी क्या है, पिच p इक्वल टू 3D। ये हमारी PCR है, केंद्रीय पिच PCR इक्वल टू 3D। और यहाँ से यहाँ तक मेजर किया तो m इक्वल टू 1.5D आ गया। तो अब इसके बाद हमें पैकिंग करनी है, तो पैकिंग के लिए हमने एक लाइंस बना दी। अब यहीं से हम क्या करेंगे, अब यहीं से हम 7 mm ये 7 mm लिया, 7 mm से हम क्या करेंगे, इधर ये जो हमारी मेन प्लेट है इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब 7 mm के बाद 9 mm पे आएंगे, इस तरह से 9 mm की प्लेट को हम यहाँ से मिला देंगे, 9 mm की प्लेट को हम यहाँ से मैच करा देंगे। फिर यहाँ से मैच कराने के बाद इस तरह से एक लाइंस ड्रा कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से फिर 7 mm आएंगे, फिर 7 mm वाली लाइंस को इस तरह से मैच करा देंगे। तो ये हमारे क्या बन गया, ये हमारा बन गया डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। तो ये अब जब हमारा डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट बन चुका है तो अब इस तरह से हम मिला देंगे। तो अब बाहरी जो आउटर पार्ट्स है हमारा, तो अब आप इसको कुछ इस तरह से या इसको आप इस तरह से भी, इस तरह से इधर, इस तरह से आप इधर, इस तरह से आप दिखा सकते हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि ये किसी सेक्शन से काटा हुआ पार्ट्स है। ये प्लेट्स हमारी मेन प्लेट्स जो है किसी सेक्शन से काटी हुई है, तो अब इसको भी हम शो करा देते हैं, अब इसको भी हम शो करा देते हैं। तो ये हमारी क्या है, मेन प्लेट 1, ये हमारी क्या है इधर मेन प्लेट 2। तो ये हमारी प्लेट्स हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि ये तो हमारा बन चुका है, तो अब इस तरह से ये हमारा टैप व्यू बन गया, इसका ये इसका टैप व्यू है क्योंकि ये हमने वर्क किया है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। यही यदि हम थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे वर्क करते तो वो कैसे आता, ये जो हमारा फ्रंट व्यू है वो नीचे आ जाता और टैप व्यू हमारा
ऊपर आ जाता। तो ये है हमारा सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट।